एवरीवन, बेल एकेडमी पर आपका स्वागत है। देखिए, अब तक हम जो पढ़ चुके हैं वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आगे पढ़ चुके हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो था कि हम किसी बायर को, मान लो तार है हमारे पास, उसमें से करंट फ्लो करानी है या उस तार की लंबाई को बढ़ाना है या तार को छोटा करना है, उसका कोई भी डायमेंशन चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे। उसके डायमेंशन को चेंज करने पर उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी में, रेजिस्टेंस में क्या चेंज आ जाता है, ये आप देखेंगे हम। तो देखिए, केस वन देखेंगे पहले कि एक वायर है हमारे पास। देखिए, ये एक वायर है एल लेंथ का, लंबाई कितनी है इसकी, एल है, एल लेंथ का एक वायर है। इसी वायर के साथ हमने क्या किया है, यहाँ पे एक वायर और अटैच करके इसकी लेंथ को बढ़ाया है। केस वन में हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं ओनली लेंथ और वायर इज चेंज, यानी कि सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम वायर की लेंथ को बढ़ा रहे हैं। ये एल है, ये क्या हो गया, टू एल। एरिया में कोई चेंज नहीं कर रहे, उसी वायर में एक और वायर अटैच कर दे रहे हैं। मान लो मेरे पास एक वायर ये था, पहले इसकी लेंथ एल थी, मैंने एक वायर और अटैच कर दिया इसके साथ, डबल हो गई। ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया। अब ये देखेंगे कि दोनों के रेजिस्टेंस में चेंज क्या आएगा। तो देखिए, पहले इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, मान लो एरिया इसका ए है, इसका भी क्या सेम है, एरिया में क्या चेंज नहीं कर रहे कुछ। देखिए, क्वेश्चन दिया है अ बायर हैविंग 20 ओम रेजिस्टेंस एंड लेंथ इज एल मीटर, यानी क्या है, इसका आर वन दिया है हमारा 20 ओम एंड लेंथ इज एल मीटर। लेंथ कितनी दी है, एल मीटर। वेल इट्स बायर लेंथ इज डबल, अब हम क्या कर रहे हैं, इस बायर की लेंथ को डबल कर रहे हैं, यानी कि एल टू क्या हो गया, 2L। एरिया तो क्या रहेगा, एरिया सेम है दोनों में, यही रहेगा। एडिंग द बायर ऑफ सेम मटेरियल कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड बायर। देखिए, हिंदी में समझ लो क्या है, एक बायर है, उसकी लंबाई है एल और रेजिस्टेंस है 20 ओम। हमने क्या किया, उसी वायर में एक और वायर जोड़ा और जोड़ के उसको कितना लंबा कर दिया, इसका डबल, पहले वाले का डबल कर दिया। डबल करने पे हम देखेंगे कि क्या चेंज आएगा रेजिस्टेंस में, यही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये तो पता ही है सबको। अब यहाँ पे एक सोचने वाला पॉइंट है, क्या, देखो R क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, L के, यानी कि हमने क्या किया, लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज की है, यानी लंबाई बढ़ाई है तार की, तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल है तो लेंथ भी, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लेंथ अकॉर्डिंग टू लंबाई बढ़ जाएगा। लेकिन ये क्या, देखो ये नीचे आ रहा है, यानी कि क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल, यानी कि विस्क्रमानुपाती, इसका मतलब R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। बट यहाँ पे क्या, एरिया हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो क्या रहेगा, हमारा a ही रहेगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ले लेते हैं r1 की वैल्यू, r1 वन इक्वल टू रो एल वन अपॉन ए, पहले वाले के लिए, केस वन मान, कंडीशन वन है। अब इसके लिए देखते हैं r2 टू इक्वल टू रो, यहाँ पे कितना, 2L, 2L अपॉन ए, क्योंकि एरिया दोनों में सेम है, ये मान लिया दूसरा इक्वेशन। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या निकालना है, हमें R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे, यहाँ पे इनका क्या करेंगे, आपस में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, तो क्या निकल आएगी, R2 की वैल्यू निकल आएगी। लिखेंगे यहाँ पे R1 अपॉन R2 इक्वल टू रो L1 अपॉन ए अपॉन रो 2L, यहाँ का क्या 2L है, ये वाली इक्वेशन लिखना 2L अपॉन ए। अब देखिए ए से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, L नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, रो L, L1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि L क्या है, L ही मानिए, यहाँ पर 2L माना, क्या करेंगे, ये कितना हो गया, रो L अपॉन 2L रो, ए से ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये वाला ये ऊपर पहुंच जाएगा ना। अब देखिए यहां से एल रो रो ये भी कैंसिल, कट गया, क्या बचा,
वन अपॉन टू, यानी कि आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू वन अपॉन टू। हमें निकालना है किसकी वैल्यू, आर टू की। आर वन दिया हमारा 20 अपॉन आर टू इक्वल टू वन अपॉन टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 40, यानी 40 ओम। क्या आ गया हमारा, ये देखो ये प्रैक्टिकली प्रूफ हो गया यहाँ पे। कैसे, हमें पता था कि अगर आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी पहले वाले का जो 20 ओम था रेजिस्टेंस, जब हमने इसकी लंबाई डबल कर दी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, डबल हो गया। यही प्रूफ करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में वैल्यू ना पूछ के कि सेकंड वायर का जो रेजिस्टेंस था, हमने अभी लास्ट निकाला था कि सेकंड की वैल्यू क्या है, वैल्यू ना पूछ के क्या पूछेगा, रेशियो, पहले वायर का और दूसरे वायर का रेजिस्टेंस का रेशियो क्या रहेगा। तो देखिए रेशियो कैसे निकालेंगे, हमें पता है यहाँ पे क्या दिया है, आर वन की वैल्यू दी है आर, हमें निकलवाया है आर वन आर टू का, आर वन और आर टू का रेशियो फाइंड आउट करना ही हमें निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, वही पहली की तरह क्वेश्चन कि एक वायर है जिसकी लेंथ है एल, एरिया है ए, दूसरा वायर है जिसको हमने क्या कर दिया डबल 2L और ये ए, ठीक है। अब देखिए हमारे, हमें R1 और R2 नहीं पता है, हमें सिर्फ रेशियो कैलकुलेट करना है, तब क्या करेंगे, तो हमारा क्या होता है R1 और R2 का रेशियो R1 अपॉन R2 इक्वल टू, पहले R1 के लिए लिख लो, R1 इक्वल टू होता है रो L1 अपॉन A1। अब हम R2 के लिए लिखेंगे, R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। ये हमारे पास दो इक्वेशन होती है कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए इन दोनों का रेशियो निकालना है हमें, तो हमें इन वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, L की वैल्यू क्या है, L पहले के लिए, दूसरे के लिए L की वैल्यू है 2 है। देखिए R1 इक्वल टू रो L अपॉन A, दूसरे के लिए अपॉन में कर लो R2, ये हो गया रो 2L अपॉन A, यही हुआ ना। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करना पहले ही बताया था, इसको कैसे लिख सकते हैं, रो L by A इंटू A अपॉन रो 2L, ठीक है। अब देखिए ये क्या कैंसिल हो गया इसके साथ, और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, टू कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ एल एल कैंसिल होगा और वो कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू वन अपॉन टू। देखिए बेटा अगर रेशियो पूछा हो तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जब वैल्यू पूछी हो कि आर वन की वैल्यू ये है, आर टू की कैलकुलेट करो, तभी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, अदरवाइज क्या बताओगे, R1 और R2 का रेशियो क्या होगा, R1 R2 का जो रेशियो होगा 1:2। बहुत बार बच्चे गलती करते हैं इसी चीज में, वो क्या करते हैं यहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं, क्या लिख देते हैं 2R1 और R2, और यहाँ रेशियो दिखा दें 2:1, और ये ऑप्शन में होता भी है हमेशा, ये ऑप्शन में दिया होगा, यहाँ टिक कर देंगे, तो ये नहीं करना है, जब हमें रेशियो पूछा होगा तो सिर्फ रेशियो बताना है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जो था उसमें हमने क्या किया था, वायर की लेंथ को इंक्रीज किया था। अभी हम क्या करेंगे, उस वायर, एक वायर है हमारे पास एल लंबाई का, एल मीटर लंबाई का, उसको हम कट कर देंगे बीच में से, तो क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। तो क्वेश्चन भी हमारा इस तरह से दिया है, अ वायर हैविंग 10 ओम रेजिस्टेंस एंड लेंथ एल मीटर, व्हेन इट्स वायर लेंथ इज हाफ, तो क्या कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर, हमें क्या कैलकुलेट करना, सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए अगर हमें पता है पहले वाले वायर के लिए क्या कर रहे हैं हम, पहला हमारा ये वायर है
इस वायर को बीच में से हमने क्या किया, इसी वायर को क्या कर दिया, तोड़ दिया, यानी कि इसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया। ठीक है, ये था इसकी लंबाई एल थी। एरिया में कोई चेंज नहीं कर रहे तो एरिया में यहां भी चेंज नहीं होगा। इसको कर दिया हमने 1/2 L, लेंथ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब देखते हैं वही सेम इक्वेशन बनाएंगे, R1 = ρL/A फर्स्ट, इसके लिए R2 = ρ1/2 L/A, ये हमारी सेकंड आ गई। अब देखिए क्या निकालना है हमें, R1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 10 ओम, तो 10 ओम/R2 = ये वाली वैल्यू रखेंगे ρ L/A/ρ1/2 L/A, इसको सॉल्व करना तो आ ही गया होगा। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं, ρ L कैंसिल हो गए, क्या बचा 10 upon R2 = 1/2, ये बचा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, क्या होगा 2/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्यों, क्योंकि यहां पे क्या पूछा है, रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड वायर, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, R2 = क्या हो जाएगा 10/2, यानी कि 5 ओम। R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ओम। ये क्या होगा, पहले कितना 10 ओम था, हमने वायर का रेजिस्टेंस क्या, वायर की लेंथ क्या की, कम कर दी, रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, कम हो गया, जितनी कम की उतना ही क्या, रेजिस्टेंस भी कम हो गया, हाफ कम किया है तो रेजिस्टेंस भी हमारा हाफ कम हो गया। अब देखिए कहीं कहीं क्वेश्चन में इसकी जगह क्या पूछेगा, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेशियो पूछेगा, कैलकुलेट रेशियो ऑफ R1 R2, यानी कि हमारे पास ये नहीं दिया होगा, हमें सिर्फ क्या पूछेगा, R1 और R2 का रेशियो, तो वो कैसे निकालेंगे, R1 R2 का रेशियो, वही हमारे पास क्या आ रहा है लास्ट में, R1 upon R2 = देखिए ये आ रहा था 1/1/2, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, R1 upon R2 = ये 2 ऊपर जाएगा 2/1, यानी कि जब R1 ratio R2 पूछेगा तो 2 ratio 1, और कभी कभी क्वेश्चन में चेंज होता है, यहाँ पे वो पूछता है रेशियो ऑफ R2 R1, उल्टा कर देता है, तो हमें यहाँ पे भी क्या लिखना है, उल्टा ही लिखना है उसकी वैल्यू को, क्या करना है यहाँ पे चेंज करके ही लिखेंगे, जैसे R2 ratio R1 क्या रखना, 1 ratio 2, ये ऑप्शन सारे अवेलेबल होते हैं आंसर में, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है R1 R2 का रेशियो पूछा या R2 R1 का रेशियो पूछा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए यहाँ पे, सेम किसका केस बनगा, लेंथ ओनली लेंथ ऑफ बायर इज चेंज, यानी कि लेंथ ऑफ बायर इज चेंज करने का मतलब है कि एक बायर था हमारे पास ये, इसकी लेंथ को या तो हमने बढ़ाया था पहले केस में, फिर हमने क्या किया था, इसी वायर की लेंथ को हाफ कर दिया था। तो आप देख रहे होंगे अपने आंसर से कि अगर हम इस वायर की लेंथ को डबल करते हैं तो क्या हो रहा था, इस वायर के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ रहा था, जस्ट डबल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही थी एल को। हमने यहाँ पे क्या पहले वायर की मान ली थी 20 था शायद हमारे पास, उसको हमने क्या किया था 20 था हमारे पास R1 की वैल्यू, तो हमारी L हमने 2L की थी, कितना आ गया था 40 ओम रेजिस्टेंस आया था सेकंड वाले के लिए। ऐसे ही जब हमने इस वायर को हाफ किया तो देखिए हाफ करने के बाद हमारी वैल्यू तो 10 ओम का हाफ हो गई, यानी कि क्या कर रहे हैं, अगर हम लेंथ को कम कर रहे हैं तो वैल्यू भी कम हो रही है रेजिस्टेंस की,
और अगर हम लेंथ बढ़ा रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ रही है। यानी कि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर हम हमारे पास कोई भी वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है यानी कि बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर इसकी वैल्यू कम हो रही है, जैसे यहां कम हुई थी, तो इसकी वैल्यू भी इधर कम होगी। ये हमेशा याद करके रखना है। चलिए देखिए, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट केस, केस सेकंड। केस सेकंड में हम क्या करेंगे, जो वायर है हमारे पास, जो कंडक्टिंग वायर है, उसकी लेंथ को सेम रखेंगे, मटेरियल सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या करेंगे उसके एरिया को। अब एरिया को चेंज करने का मतलब है कि एक पतला वायर तो वायर था हमारे पास, उसको हमने मोटा कर दिया, या फिर एक मोटा वायर था उसको हमने पतला कर दिया। तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइव ओम वायर हैविंग एरिया ए एंड व्हेन इट्स एरिया इज डबल कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड वायर। देखिए इसका हिंदी मतलब समझ लेते हैं क्या है, कि पांच ओम का वायर है हमारे पास, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस है हमारा 5 ओम, और हम क्या कर रहे हैं उसका एरिया है ए। अब इसके एरिया को हमने क्या किया है, डबल किया है। डबल करने का मतलब क्या है, ये एरिया डबल कर रहे हैं हम, इसका मतलब है कि एक वायर था ऐसा, ये उसकी मोटाई थी, मोटाई हम गोलाई में ही देखेंगे, अब हम इसको क्या कर रहे हैं थोड़ा मोटा बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं हम डबल कर रहे हैं। डबल का मतलब ये, तब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड वायर, यानी कि इस वाले वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। देखिए कैसे करते हैं, देखो हमने फॉर्मूला देखा था, पहले बना लेते हैं वायर। ये हमारा है, इसकी लंबाई में कोई चेंज नहीं कर रहे, एल है, एरिया ए है, आर वन दिया हमारा 5 ओम। यहां बनाते हैं हम सेकंड वाला, जिसको हमने क्या किया डबल किया, एरिया हमने इसका 2a किया, लेंथ एल ही रहेगी, आर टू। अब देखिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। हमें यहां ध्यान रखना है, ये हमारा क्या है, इन दोनों के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पर कोई चेंज नहीं कर रहे लेंथ में, ये चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, एरिया। अब देखिए एरिया कैसा दिख रहा है, ये एरिया यहां पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, अगर एरिया इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक को बढ़ा रहे दूसरा कम हो रहा, एक दूसरा बढ़ा होगा तो एक बढ़ेगा, जैसे मानो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया क्या होगा कम होगा। समझ गए, इस फॉर्मूले पे ही हम क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे अपने क्वेश्चन का। देखिए आर वन अपॉन आर टू लिखेंगे सीधे, ये क्या होता है, रो एल दिया है अपॉन ए, एरिया ए दिया है पहले के लिए, दूसरे के लिए देख लीजिए, यहां पर दूसरे के लिए क्या है, रो एल ये तो कांस्टेंट है हमारे पास, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं इसके एरिया को 2a, ठीक है, 2a किया तो इसको कैसे करेंगे, आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू रो एल बाई ए इन टू, ये ऊपर जाएगा 2a अपॉन ए, ये हुआ a से a। देखिए पहले हमने आर वन के लिए लिखा रो एल, ये वाला रो एल बाई रो एल बाई टू है, ये लिखा इनटू में ऐसे आएगा, सॉल्व करेंगे तब। अब क्या कर रहे हैं हम, रो एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, अब क्या बचा, आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू टू अपॉन वन। अगर यहाँ पे रेशियो पूछता, जैसे यहाँ पे पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर, इसकी जगह पूछता कि रेशियो निकालना है आर वन और आर टू का, तब तो हम क्या कर देते, रेशियो आया था आर वन रेशियो आर टू इक्वल टू टू रेशियो वन, ठीक है। लेकिन हमारे पास रेशियो नहीं पूछा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा, रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड वायर, यानी कि आर वन दिया है हमारे पास, तो देखिए आर वन की वैल्यू लिखेंगे 5 ओम,
अपॉन आर टू इक्वल टू टू अपॉन वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आएगा, टू आर टू इक्वल टू फाइव और आर टू इक्वल टू 2.5 ओम। देखिए क्या किया है हमने, इसके एरिया को बढ़ाया था। पहले हमारे पास क्या था, इसका रेजिस्टेंस था 5 ओम यानी R1 था 5, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है R2 2.5 यानी आधा हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब यहाँ पे हमारा R1 एरिया ज्यादा था, एरिया इधर कम था तो रेजिस्टेंस क्या था ज्यादा था, यहाँ हमने एरिया बढ़ाया जस्ट डबल किया तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया कम हो गया, तो यही होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। यहाँ से प्रूफ हो गया, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी जो क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें हम एरिया को चेंज कर रहे थे, तो बेटा कभी कभी कहीं पे क्वेश्चन में एरिया डायरेक्ट ना देखे, क्या देता है रेडियस, रेडियस को डबल करता है। ये रेडियस क्या होती है, तो देखिए हमारे पास जो एक वायर होता है वो ऐसे होता है, ये सर्कल है। अब हम क्या करते हैं, सर्कल का रेडियस क्या होता है, जो ये सर्कल है इस सर्कल का जो हाफ होता है ये होता है रेडियस, और सर्कल का ये 1/4 रेडियस होता है, ये पूरा जो होता है इसको बोलते हैं हम डायामीटर। तो देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन दिया होता है तो हमें सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में एरिया नहीं दिया है, यहाँ पे रेडियस दिया है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन यही चेंज होता है। क्वेश्चन में क्या करते हैं, सीधे सीधे एरिया ना देखे रेडियस दे देते हैं, तो वहां बच्चे क्या मानते हैं, उस रेडियस को ही एरिया मान लेते हैं। जब ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली आंसर क्या है, गलत ही आएगा। हमें क्या याद रखना है कि क्वेश्चन में रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है या फिर एरिया दिया है। तो पहले जो इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था उसमें क्या देखा था कि हमारे पास एरिया था, अभी हम जो देखेंगे क्या दिया है, हमारे पास रेडियस दिया है। तब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, पहले क्या निकालेंगे सर्कल का एरिया, उसके बाद निकालेंगे अपना क्वेश्चन रेशियो पूछा है या फिर रेजिस्टेंस पूछा है। देखिए फॉर्मूला वही नोट करेंगे हम, आर वन इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एक ही जगह हमें क्या लिखना है यहाँ पर बेटा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कैसे लिखेंगे, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, और आर क्या दिया है आर, सीधे ऐसे लिख लिया, फर्स्ट इक्वेशन यही बन गई हमारी। अभी दूसरा वायर है जिसका क्या कर रहे हैं हम, रेजिस्टेंस लिया है उसको डबल कर रहे हैं, यानी कि एक वायर लिया उसको हमने क्या किया, उसके एरिया को यानी कि रेडियस बढ़ा लिया, ये कर दिया हमने 2R। तब देखिए क्या बनेगा, R2 इक्वल टू रो L, L तो पूरा ही रहेगा, ये सेम ही L चेंज नहीं कर रहे हैं, अपॉन A, और एक ही जगह पे यहाँ क्या 2R, क्या लिखेंगे, रो L अपॉन पाई 2R का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे आर टू इक्वल टू क्या आएगा, रो एल अपॉन पाई 4R स्क्वायर, यह आ जाएगा, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे आंसर आ जाएगा, देखिए R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या दिया है, रो एल अपॉन पाई R स्क्वायर अपॉन ये वाला रो एल अपॉन पाई 4R स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इसको, रो एल ऊपर पाई आर स्क्वायर इंटू ये ऊपर जाएगा पाई 4R स्क्वायर अपॉन रो एल,
रोयल से रोयल, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्या बचा 4/1। तो हमारा रेशियो पूछा है आर वन आर टू का, तो रेशियो क्या होगा, आर वन रेशियो आर टू इक्वल टू 4:1। ये तो हमारा रेशियो हो गया, लेकिन आगे क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर। हमें क्या निकालना, रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर। उसके लिए क्या करेंगे हम, रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर के लिए आर वन अपॉन आर टू, न्यू वायर के रेजिस्टेंस के लिए, आर के लिए क्या करेंगे, क्या आ रहा था 4/1 आ रहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आर की वैल्यू देखिए हमारे पास है आर, आर वन देखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या था, सिर्फ एक चेंज था कि यहाँ पर डायमीटर की जगह रेडियस दिया है, अभी यहाँ पे क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये देखते हैं। यहाँ देखिए, देखिए एक ये सर्कल है, इसकी रेडियस ही है, दूसरा सर्कल है ये, पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, ये रेडियस थी आर, बाद में हमारी रेडियस जो हो जा रही थी दूसरे वाले की वो आ जा रही थी 2r। अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि डायमीटर दिया हुआ है डी, उसको हम क्या कर रहे हैं, डायमीटर को ही चेंज करके उसको डबल कर दे रहे, यानी कि 2d। तो देखो अगर डायमीटर बढ़ रहा है इसका मतलब रेडियस भी बढ़ ही रहा है। यहां पे जो रेशियो है मान लो R अपॉन 2R, तो यहाँ पे भी जो रेशियो है वो भी क्या है, D अपॉन 2D, D से D मतलब 1/2, यहाँ पे भी क्या है 1/2, यानी कि यहाँ पे रेशियो जो बढ़ रहा था या कम हो रहा था, देखिए ये ऐसे रेशियो क्यों आ क्यों रहा है इसकी बात करते हैं। तो देखते हैं कि जो रेडियस होती है किसी भी सर्कल की, रेडियस जो होती है आर वो क्या होती है, कह सकते हैं कि जो डायमीटर है सर्किल का उसकी आधी होती है, या फिर हम उल्टा बोल सकते हैं इसको कि जो 2r इक्वल टू डी होता है, यानी कि अगर दो रेडियस को मिला दिया जाए तो वो डायमीटर बन जाता है। जैसे मान लो ये था, इसी को हमने इधर खींचा, पूरा क्या हो गया ये r+r+r यानी कि 2r। तो यही कॉन्सेप्ट है इधर। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारा रेशियो जो आया था r1 r2 का वो कुछ इस तरह से था, r1 अपॉन r2 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई 2r का होल स्क्वायर, यानी कि इसको हमने सॉल्व किया था तो क्या आया था, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया था 1/4, पहले वाले क्वेश्चन का ये आया था रेशियो। अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं, हम क्या करेंगे, डायमीटर दिया है यानी कि डायमीटर को हम क्या रखेंगे, d/2, ठीक है। तो रेशियो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे कर देंगे हम आर इक्वल टू d/2 इस आर की जगह। तो देखिए रेशियो क्या आएगा, r1 अपॉन r2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई d/2 का स्क्वायर अपॉन पाई dy, यहां पर 2d है यानी क्या हो जाएगा dy, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा, इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल कर दिया, d² / 4/d² ये क्या आएगा, d² × 1/4 × d² से d² यानी कि 1/4। तो जो रेशियो रहेगा
आर वन आर टू क्या रहेगा 1:4, यही हमारा पहले भी आया था रेशियो। तो ये सेम रेशियो क्यों आ रहा है, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम डायमीटर को बढ़ा रहे हैं। अगर रेडियस बढ़ेगा, अगर रेडियस बढ़ेगा तो उसका डायमीटर भी तो बढ़ेगा, इसलिए क्या रिलेशन आएगा ये। एक एग्जांपल से देखते हैं, मान लो पहले हमारा क्या था, पहले वाले का मान लो ये था कि 2 बढ़ रहा था और दूसरा क्या बढ़ रहा था, यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा था तो ये हो रहा था 4। अभी क्या कर रहे हैं हम, इसको जस्ट डबल कर रहे हैं, यानी 2 की जगह क्या 4D कर दिया, इधर क्या कर दिया हमने जस्ट डबल बढ़ा रहे हैं यानी कि 8D। तो देखिए रेशियो देखिए, इनको काटेंगे तो क्या 1:2, यहाँ पे भी क्या करेंगे इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1:2, यानी रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो यहाँ पे या डायमीटर दिया हो या फिर आपको रेडियस दिया हो, आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा।